दोस्तों, जेल नंबर 42 स्वर्ग दूतों से एक संदेश है कि वे आपकी विनती से अवगत हैं और आपको उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया का आश्वासन दे रहे हैं। उस समय तक आपको इन जेल नंबरों में अटूट विश्वास और आशा रखनी चाहिए। स्वर्गदूत आपके प्रयासों को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करेंगे। जब भी आवश्यकता हो, आपको स्वर्गदूतों का समर्थन लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जेल नंबर 42 स्वर्गदूतों का संदेश है कि आपको ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आप लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना चाहते हैं या उनके आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने कितनी बार 42 से जेल नंबर देखा है? यह महज संयोग नहीं है कि आप इस नंबर को बार बार देखते रहते हैं। यह आपके पास स्वर्गदूतों की ओर से एक संकेत के रूप में आता है कि वे आपको एक संदेश दे रहे हैं। स्वर्गदूत हमसे सीधे बात नहीं कर सकते, इसलिए वे हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए जेल नंबर का उपयोग करते हैं। इस नंबर को नजरअंदाज ना करें, बल्कि अपने दिमाग को खोलें ताकि आपके लिए इच्छित संदेश प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। दोस्तों, जेल नंबर 42 का अर्थ बताता है कि यह आपके लिए अपने जीवन के उद्देश्य और जुनून को खोजने का समय है। आपको अपने सपनों को साकार करने से कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। 42 से जेल नंबर का अर्थ, इसकी व्याख्या और आपके लिए संदेश में गहरा है। यह आपके लिए उन चीजों को करने का समय है जो आपको खुश करती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती हैं। यदि यह एक ऐसी नौकरी है जिसके बारे में आप सोच रहे थे जब यह संख्या आपको दिखाई दी, तो जान लें कि आपको पदोन्नति आवेदन वृद्धि मिलने वाली है। दोस्तों, इस नंबर का यह भी अर्थ हो सकता है कि आपके लिए नौकरी छोड़ने और अपने दिल की इच्छा के पीछे जाने का समय आ गया है। आपके अभिभावक देवदूत संकेत दे रहे हैं कि अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाने का समय आ गया है। अपने जुनून की खोज करें और अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करें। दोस्तों, जीवन इतना छोटा है कि आप इसे चिंता और दुख में नहीं बिता सकते। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाएं। ब्रह्मांड और दिव्य क्षेत्र आपके पक्ष में हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जेल नंबर 42 एक आश्वासन है कि आपके अभिभावक देवदूत हमेशा आपका समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आप गलत निर्णय लेने वाले हैं, तो रुकें, चिंतन करें और फिर प्रार्थना के माध्यम से अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर को बताएं। जब तक आप उसकी क्षमताओं पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तब तक दिव्य क्षेत्र आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों, जेल नंबर 42 प्रतीकवाद के अनुसार यह देवदूत संख्या स्वर्गदूतों से एक संदेश के रूप में आती है कि आपकी प्रार्थनाएं सुननी जा रही हैं और उनका उत्तर दिया जा रहा है। इसके लिए आपको आभारी होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही आपके सपने सच होंगे। जब तक आप विश्वास करते हैं, आशीर्वाद आपके हिस्से में आएगा। दोस्तों, यह जेल नंबर आपको समाज में कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यदि आप प्राप्त आशीर्वाद को साझा करते हैं, तो अधिक आशीर्वाद आपके पास बहुत तायत में आएंगे। दिव्य क्षेत्र से आपको जो उत्तर मिलते हैं, वे हमेशा उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनमें आप वर्तमान में हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बिना बहुत अधिक उम्मीद ना करें। आत्मविश्वास और धैर्य आपको माप से परे सफल बनाने में बहुत मदद करेंगे। 42 आध्यात्मिक रूप से भी एक मजबूत संख्या है। आपको अपने विचारों और कार्यों को दिव्य क्षेत्र के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है और आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। दोस्तों, आप जिस आध्यात्मिक पथ पर हैं, उस पर बने रहें और देवदूत खुशी खुशी आपका हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। हर जगह 42 नंबर दिखना इस बात का संकेत है कि आपको अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने जुनून पर काम करते हुए एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जिएं। आपको महानता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अपना भाग्य लिखना आप पर निर्भर है, क्योंकि कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। आप जो भी करें, उसमें हमेशा स्वर्गदूतों का मार्गदर्शन लें। दोस्तों, अंत में यह देवदूत संख्या आपको याद दिलाती है कि ईश्वरीय क्षेत्र हमेशा आप पर नजर रखता है। यदि आप केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तो आपके सपने सच हो जाएंगे।
अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और अपने संरक्षक स्वर्गदूतों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाने दें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।